ऑटो ऑटो वाले भैया महावीर आर्ट गैलरी जल्दी लेकिन भाई साहब वो तो ह्यूमन तुम्हें पता नहीं है चप्पे चप्पे पे लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं मैं ह्यूमन नहीं हूँ भाई अगर मैं ह्यूमन होता तो उड़ के जाता आपके रिक्शा में क्यों बैठता और हाँ मैं आज एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ मैं ह्यूमन बना हूँ आप प्लीज जल्दी से चलिए तो कोई और ड्रेस नहीं मिली क्या ये तो सुसाइड करने वाला ड्रेस है कोई पत्थर मार देगा कोई थूक देगा बच्चे बच्चे नफरत कर रहे हैं ह्यूमन से आज ह्यूमन के प्रति लोगों के दिलो दिमाग में नफरत खत्म हो जाएगी या फिर ह्यूमन खत्म हो जाएगा आप बस चलिए हाँ चल तो लेता हूँ लेकिन आर्ट गैलरी वाला वो पूरा इलाका पुलिस ने सील कर रखा है मैं आपको थोड़ा पहले छोड़ दूंगा ओके चलिए एक मिनट एक सेल्फी ले लेता हूँ फोटो राजस्थान भेजूंगा मेरी फैमिली को मेरी माँ ह्यूमन की बहुत बड़ी फैन है अभी भी हाँ परसों ह्यूमन ने ट्रेन में जिन मुसाफिरों की जान बचाई थी उसमें मेरा भाई भी था मेरी माँ ने खुश होकर ह्यूमन को जुग जुग जीने का आशीर्वाद दिया था बेटा चाहे जितना भी नालायक निकल जाए माँ बद्दुआ तो नहीं दे सकती ना एक मिनट नो 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 पेट्रा मुझे थोड़ा ऊपर से दिखा यू नो टॉप व्यू ह्यूमन महावीर आर्ट गैलरी के आसपास ही कहीं होगा यस मिस्टर एक्स स्टॉप 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 राइट देयर ये इस पॉइंट को जूम करना आखिर चूहा अपने बिल से बाहर आ ही गया मछली जाल के करीब आ गई है बड़े पेट्रा अपने नकली ह्यूमन को इन्फॉर्म कर दो कि प्लान पे अमल करने का वक्त आ गया है यस मिस्टर एक्स हेलो ह्यूमन तो तुम हो वो गीदड़ जो शेर की खाल ओढ़कर कमजोरों को डरा रहा है ताकि शेर बदनाम हो जाए और हमेशा के लिए पिंजरे में कैद हो जाए और हम आसानी से इस शहर पर हुकूमत करते रहे मिस्टर एक्स का ये सपना ह्यूमन कभी पूरा नहीं होने देगा आधे से ज्यादा हो चुका है शहर का बच्चा बच्चा तुमसे नफरत करता है तुम मुंबई के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुके हो बाकी कसर आज पूरी हो जाएगी जब आर्ट गैलरी से वो पेंटिंग द सनराइज जिसे मैं तुम्हें कभी हासिल नहीं करने दूंगा वो मैं हासिल कर चुका हूँ मेरी जान ये तुम कैसे कर सकते हो मुंबई के सड़कों के नीचे मैन होल का जाल बिछा है आर्ट गैलरी के नीचे सुरंग बनाना मेरे लिए बहुत ही आसान था और उससे भी आसान था तुम्हारे इस गेटअप में वो पेंटिंग चुराना जो कि नेचुरली सारे सीसीटीवी कैमरा ने रिकॉर्ड कर लिया होगा अब जैसे ही ये एग्जीबिशन खुलेगा और ये पेंटिंग वहां नहीं मिलेगी तो तुम वर्ल्ड फेमस हो जाओगे अब ये पेंटिंग जाएगी मिस्टर एक्स के पास ये पेंटिंग वहां जाएगी जहां इसे होना चाहिए और तुम जाओगे जेल तो आओ देखते हैं कौन है शेर और कौन है गीदड़
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो अस्सी नब्बे पूरे सौ सौ में निकला धागा यो मैन पीछे पीछे भागा मुबारक हो बड़े मुबारक हो प्रीति पेट्रा आखिर मछली जाल में फंस ही गई सब यूमैन अगर कोई चलाकी की तो गोली मार दूंगा तुम रंगे हाथ पकड़े गए हो असली अपराधी मैं नहीं हूं कोई और है मैंने पेंटिंग नहीं चुराई नूरे हक शम में इलाही को बुझा सकता है कौन और जिस पेंटिंग की निगरानी धूबे करे उसे चुरा सकता है कौन अबे बाबा कौन बोलेगा वो देखो पेंटिंग अपनी जगह लगी है ये ट्रैप है मुझे फंसाने की कोशिश की इंस्पेक्टर मैं उसका पर्दाफाश करके रहूंगा हिले तो गोली मार दूंगा मुझे उसे पकड़ना होगा इंस्पेक्टर तुम्हें भगवान इसे कुछ मत होने देना कुछ मत होने देना इसे तो कुछ हो ही नहीं सकता अगर इसके पास सुपर पावर नहीं है लेकिन इसका कॉस्ट्यूम तो बुलेट प्रूफ है इसे तो गोली लग ही नहीं सकती यस यस कुछ नहीं हो सकता इसे लेकिन ये अब इसे लेटा हुआ क्यों है वाग मरे सर एम्बुलेंस बुलाओ मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है लेकिन सर गोली तो यूमैन को लगी है अबे उसके पास वक्त ही वक्त है
अब तो वो चैन से ऐसे सोया कि फिर कभी उठ नहीं पाएगा। मैं अपनी बात कर रहा हूं, हॉस्पिटल भेजो इसे जल्दी से ताकि मैं अपने घर जाके आराम से सो सकूं। उठ जाइयो मैन, उठ जा, उठ जा, उठ जाइयो मैन, उठ जाइयो मैन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। जिंदा है। लगता है आपकी गोली नकली है। अबे गोली तो असली है, मुझे लगता है कि कॉस्ट्यूम बुलेट प्रूफ है। जो मैन, अब अगर तुमने कोई चालाकी की तो मेरी गोली तुम्हारी खोपड़ी पे सिग्नेचर करेगी। क्या बात है सर? इंस्पेक्टर, असली अपराधी बाहर है जो मेरा कॉस्ट्यूम पहनकर मुझको फंसाने के लिए क्राइम कर रहा है। अगर तुम निर्दोष हो तो चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो, अगर तुम चाहो तो वहां सो भी सकते हो। आप, मेरा मतलब है अपने आप को निर्दोष साबित कर सकते हो, लेकिन अभी सरेंडर करो। प्रेम, प्रेम उठ, अरे उठना प्रेम। अबे सोने देना यार, मैं कोई कुंभकर्ण थोड़ी ना हूं जो 6 महीने सोऊंगा। कुंभकर्ण ना अपने घर में रहता था इसीलिए वो 6 महीने सोता था। तेरे तरह किराए के घर में रहता ना तो उसे 6 महीने का किराया एडवांस में भरना पड़ता और फिर आराम से सोता। जिस तरीके से तू नींद से उठता ना बार बार बाथरूम जाने के लिए, वैसे उसे उठना पड़ता किराया जमा करने के लिए। अबे तूने किराया नहीं भरा अब तक? बलून में क्या हवा भरने के जैसे है कि मैं फूक मारते रहूं और वो भर जाएगा? अरे हो 15,000 कहां चलाएंगे हम यार। जैसे तू हर महीने कोई तिकड़म लगाता है, इस महीने भी लगा ना। मैं जैसे हर महीने तू मेरी हेल्प करता है, मेरे साथ रहता है, वैसे तू इस महीने भी रहे ना। तू तो सोया पड़ा हुआ है। और सुन मेरी बात, ये ना फरवरी का महीना है और हमारे पास 3 दिन कम है इस महीने का किराया इकट्ठा करने के। तू प्लान क्या है बताना यार। हमेशा की तरह जबरदस्त। तुझे पता है यू मैन द सनराइज पेंटिंग के पीछे क्यों पड़ा है? क्यों? क्योंकि वो करोड़ों की पेंटिंग है। हम भी ऐसे ही करोड़ों की ना सही लेकिन 1 लाख की पेंटिंग बेचेंगे और वो भी चतुर्वेदी चिंतामणि। वो 1 लाख की पेंटिंग का है? नहीं डडोली, बनाएंगे और वो बनाएगा हमारा प्रेम। हाँ यार, मैं कोई आर्टिस्ट वार्टिस्ट थोड़ी ना हूँ, मैंने जिंदगी में कभी ब्रश तक नहीं पकड़ा है। हाँ तो चतुर्वेदी का फाइन आर्ट का स्टूडेंट है, उसने अपनी जिंदगी में एक पेंटिंग भी नहीं पकड़ी होगी। मेरे जीजू को तुम दोनों मिलकर चूना लगाना चाहते हो? मेरे रहते ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, और वो भी मुझे इस प्लान में शामिल करके। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ सरकारी गवाह बनकर। नहीं ऐसे, मैं प्रेम की फिल्मी पुजारन, देख इसका चेहरा, देख इसका चेहरा। अगर हम लोग ने किराए का इंतजाम नहीं किया ना तो इस फ्लैट से तो निकाल ही देंगे, इस पूरे कॉलोनी से भी निकाल देंगे, वो भी धक्के मार के, लात मार के, वो भी एकदम। मैं नाचूंगी, जो तुम कहोगे अपने बाबू मैं करूंगी। उसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर इस निकम्मे ने गलती से भी अच्छी पेंटिंग बना ली ना तो चतुर्वेदी चिंतामणि एग्जीबिशन रखेंगे, वो भी महावीर आर्ट गैलरी में। मेरा प्रेमी पेंटर बाबू। विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है कि इंस्पेक्टर दुबे ने यो मैन को अरेस्ट कर लिया है। इस वक्त हम खड़े हैं महावीर आर्ट गैलरी के सामने और जैसा कि आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर दुबे यो मैन को लेकर बाहर आ रहे हैं। आइए बात करते हैं इंस्पेक्टर दुबे से। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि ये यो मैन जो है कभी शहर का रक्षक हुआ करता था, दरअसल वो भक्षक बन गया है। मैंने यो मैन को रातों की नींद खराब करने के बाद, रातों को जागने के बाद रंगे हाथों पकड़ा है। इंस्पेक्टर दुबे ने रंगे हाथों पकड़ा है। वो तो अच्छा हुआ कि मैं बहुत ही बहादुर किस्म का नौजवान पुलिसिया हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता शायद मामूली सा इंसान, तो उसकी टाई टाई फिस हो जाती। यो मैन, यो मैन, यो मैन, यो मैन। हाय हाय।
बस मुबारक हो बड़े, यो मैन अरेस्ट हो गया। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर एक्स, हमारा प्लान कामयाब रहा। सेलिब्रेशन की तैयारी करो प्रिटी पेट्रा, हम सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि अब कभी भी यो मैन हमारे रास्ते में नहीं आ पाएगा। यस यस यस, अरे बीना जी, बीना जी, बीना जी कहाँ है? हाँ, बीना जी, बीना जी, बीना जी, अरे मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिया। अरे लेकिन क्या कर दिखाया, दिखा दिखा के मुझे भी तो दिखाइए। आइए देखिए, यारो के जो सर्किट में प्रॉब्लम थी ना, मैंने फिक्स कर दिया उसको। ये देखिए उसका ये मॉडल कितना नॉर्मल परफॉर्म कर रहा है। कहाँ है वो, बुलाइए ना उसको। अरे अग्रवाल साहब, कैसे बुलाऊं उसे, वो टिक टिक के घर पे कहाँ टिकता है, पता नहीं कहाँ है। मैं उसको ट्रेस करता हूँ अभी। क्या हुआ? अरे बीना जी, मैं उसको ट्रेस ही नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ हाँ, यहाँ कंप्यूटर में सब ठीक हो गया, लेकिन चिप तो उसके अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा ना। ये पता नहीं कहाँ चला जाता है, जब देखो अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता है बस। अरे इतना नाराज मत होइए आप, कहाँ जाएगा वो, मम्मी जी के पास होगा। मैं जाके मम्मी जी को पूछता हूँ अभी। अरे लेकिन सुनिए, आपके चाय। अरे बाद में बिताऊ ना। और अब नजर उस वक्त मिल रही सबसे बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि यो मैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल यो मैन पुलिस की हिरासत में। इसे कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। ओह माय गॉड, ये भी नहीं कनेक्ट हो पा रहा उससे, क्या करूं? उधर वो अकेला पड़ गया होगा, इधर मैं बेबस हूँ, मैं क्या करूं? मैं कद्दू से बात करनी चाहिए, शायद वो ही कुछ कर सके। मम्मी जी, यारो कहीं मिल नहीं रहा है, कहीं देखा आपने उसको? अरे उसे कुछ नहीं हुआ कद्दू, वो आ जाएगा। आ तो जाएगा मम्मी जी, लेकिन कुछ नहीं हुआ कद्दू, वो आ जाएगा, मतलब आप जानती है वो कहाँ है? अरे मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ पे है? तो फिर आपने ये कैसे कहा उसे कुछ नहीं होगा, वो आ जाएगा? तो ये कह दूं कि उसे कुछ हो जाएगा? ना ना। देख कद्दू, तेरा बेटा गुम हुआ है ना, तो तू परेशान है। मैं तेरी माँ हूँ ना, तुझे दिलासा देना मेरा फर्ज है कि नहीं? हाँ मम्मी जी, परेशान तो बहुत हूँ मैं, नाइट्रोजन से लेकर हाइड्रोजन तक करूँ तो क्या करूँ। यो मैन पुलिस की हिरासत में, अब पता नहीं वो कब वापिस आएगा, मैं क्या बोलूँ इसको। क्या हुआ मिस्टर एक्स, आप खुश नहीं हैं? हमारी जीत हुई? जीत, विक्ट्री, ये विक्ट्री मुझे अंदर से फील नहीं हो रही है पेट्रा, आई डोंट नो व्हाई, ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हमारे बीच में लड़ाई हुई ही नहीं और यो मैन ने खुद ब खुद सरेंडर कर दिया। मैं कुछ समझी नहीं मिस्टर एक्स। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है पेट्रा, ये इतनी आसानी से कैसे अरेस्ट हो गया, कहां गए इसके सो कॉल्ड सुपर पावर्स? जानबूझकर इसने उनका इस्तेमाल नहीं किया या फिर ये काबिल ही नहीं रहा इस्तेमाल करने के उन्हें, या फिर उसके सुपर पावर्स ही नहीं रहे? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.